नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जीरोदा का यूज़ करके आप स्टॉक किसी दोस्त को या फैमिली मेम्बर को कैसे गिफ्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी को गिफ्ट देने की। मतलब एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करो, उसके स्टॉक उस पर्सन को, फैमिली मेम्बर को या दोस्त को गिफ्ट करो, ताकि फ्यूचर में उसका वहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा होता रहे और उसका वो यूज़ होता रहे। एक गिफ्ट ऐसा देना चाहिए जो आगे लोगों को यूज़ हो, और स्टॉक से बेहतर गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं कैसे आप जीरोदा का यूज़ करके कोई स्टॉक किसी दोस्त को या फैमिली मेम्बर को गिफ्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जीरोदा में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको प्रोफाइल सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका प्रोफाइल जो है वहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप प्रोफाइल सिलेक्ट करते हो, गिफ्ट स्टॉक का यहाँ पे आपको कंसोल में ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही गिफ्ट स्टॉक के ऊपर क्लिक करोगे, जीरोदा कंसोल पे आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा वो पेज, और आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा सेंड ए गिफ्ट का एक ऑप्शन। यहाँ पे आपको सामने दिखाई देगा डैशबोर्ड पे। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से ये दिखाई देता है। यहाँ पे आपको किस तरीके से स्टॉक गिफ्ट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलती है। आप ETF भी गिफ्ट कर सकते हो फ्रेंड्स एंड फैमिली को, और स्टॉक भी गिफ्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्टॉक गिफ्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे ETF भी गिफ्ट कर सकते हो। सबसे पहले जो भी इंसान, जो भी फ्रेंड्स रहेंगे आपके, फैमिली रहेंगे, या फिर जो भी पर्सन रहेगा, उसका वहाँ पर नाम आपको डालना है, उसका फ़ोन नंबर डालना है, और उसका ईमेल आईडी यहाँ पे आपको एंटर करना होता है। हालाँकि ईमेल आईडी ऑप्शनल होता है, ऐसी कोई वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि ईमेल आईडी उसको डालना ही पड़ेगा। बट एक चीज़ मैंडेटरी वहाँ पे होनी चाहिए कि उस इंसान का जीरोदा में अकाउंट होना चाहिए। अगर उसका जीरोदा में अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले आप जिसे गिफ्ट करना चाहते हो स्टॉक, उसका अकाउंट जीरोदा में ओपन कीजिएगा, और उसके बाद उसको स्टॉक गिफ्ट कीजिएगा। क्योंकि अगर आप स्टॉक गिफ्ट करोगे तो लिंक में पहले उसे साइन अप करना आ जाएगा, पहले उसे साइन अप की प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी, और उसके बाद वो गिफ्ट उसे एक्सेप्ट करना होगा। इससे बेटर है कि जो साइन अप की प्रोसेस है वो आप पहले ही कर दीजिएगा, और उसके बाद उसको गिफ्ट सेंड कीजिएगा। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी मेरे भाई को एक स्टॉक गिफ्ट करना चाहता हूँ कि उसका बर्थडे आ रहा है आगे, तो उसका नाम यहाँ पे मैं डालूंगा, और उसके बाद उसके डिटेल्स यहाँ पे पेश करूंगा। तो एंट्री कर देते हैं हम सारी चीज़ें, और फिर हम आपको आगे की प्रोसेस भी बता देते हैं। हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स भर दी है, अब हमें कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने आपके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक है वो, उसकी लिस्ट आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो में अब BSE, CCL प्रोडक्ट, जेकॉप, लॉरस लैब, इलेक्ट्रा और जील के स्टॉक अवेलेबल है। जो स्टॉक सेटलमेंट के बाद आपके पोर्टफोलियो में आए हैं, मतलब T1 जिस स्टॉक में दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब पूरी सेटलमेंट उसकी हो गई है, वही स्टॉक आप गिफ्ट में भेज सकते हो। जो स्टॉक अभी T1 सेटलमेंट में है, वो स्टॉक आप यहाँ पे गिफ्ट में नहीं भेज सकते। उसकी पूरी सेटलमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसके बाद ही वो स्टॉक आप गिफ्ट के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इसमें से कोई भी स्टॉक हम यहाँ पे गिफ्ट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये CCL प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो हमें अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं दो CCL के दो स्टॉक उसको गिफ्ट करूँ, तो मैं यहाँ पे CCL प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँगा, और जैसे ही ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कितने स्टॉक गिफ्ट करने हैं उसकी क्वांटिटी डालनी होती है। मतलब 20 क्वांटिटी आपके पास है, उसमें से आप 5 क्वांटिटी गिफ्ट करना चाहते हो तो 5 क्वांटिटी डाल दो, 1 करना चाहते हो तो 1 डाल दो, 10 करना चाहते हो तो 10 डालो। आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उसे कितनी क्वांटिटी गिफ्ट करना चाहते हो, लेकिन जितनी भी क्वांटिटी आपको गिफ्ट करनी है उतनी क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उससे कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर 20 क्वांटिटी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, गिफ्ट करना चाहते हो, तो 20 क्वांटिटी आपके यहाँ पहले अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर सेंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल 2 कर देता हूँ, क्योंकि ये भी एक थोड़ा सा एजुकेशनल वीडियो है, फिर भी मैं यहाँ पे 2 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसको। उसके बाद आपको सिलेक्ट करने के बाद कन्फर्म एंड सेंड करना होता है। ये यहाँ पे कन्फर्म एंड सेंड के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम कन्फर्म एंड सेंड करेंगे, तो उसको एक ईमेल चला जाता है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आप उसको लिंक भेज सकते हो डायरेक्टली, या फिर उसके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है जिसको आप भेज रहे हो,
उसको यहाँ पे आपने क्या किया है, स्टॉक सेंड करने की जो रिक्वेस्ट है उसको वो क्रिएट कर दिया है। अब जब भी आपके जो दोस्त होंगे या फैमिली मेंबर होंगे वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो आगे यहाँ पे प्रोसेस हमें पता चलेगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, प्रोसेस अगर आगे हो जाता है तो हम यहाँ पे कंप्लीट उसको कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो क्रिएटेड स्टेटस था अब वो अप्रूव या फिर कैंसिल पे आ गया है। इसका मतलब है जिस पर्सन को मैंने यहाँ पे गिफ्ट किए थे स्टॉक उसने मेरा रिक्वेस्ट जो है गिफ्ट का एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, अप्रूव करना होता है। जैसे ही हम यहाँ पे अप्रूव कर देते हैं तो ये प्रोसेस अप्रूव हो जाती है। हम यहाँ पे अप्रूव करेंगे और कन्फर्म करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे कन्फर्म करेंगे तो कंटिन्यू टू CDSL पे हमें यहाँ पे अथोराइजेशन करना होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू CDSL करना होता है क्योंकि हमारे जो स्टॉक होते हैं वो CDSL में सेव होते हैं, तो वो CDSL से ट्रांसफ़र होते हैं उनके अकाउंट में जिन्हें हम गिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे CDSL का अथोराइजेशन हमें बहुत ज़रूरी होता है स्टॉक के ट्रांजेक्शन के लिए। तो कंटिन्यू टू CDSL करना होता है और उसके बाद TPIN हमें यहाँ पे डालना होता है। TPIN आप नया भी जनरेट कर सकते हैं अगर आप पुराना वाला भूल गए हो तो। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक हियर करना होगा ताकि आप नया TPIN जनरेट करना, आपको नया TPIN चाहिए होगा तो। और अगर आपके पास पहले से ही TPIN अवेलेबल है, आप जानते हैं, आप अगर TPIN आपने लिख के रखा है तो वो TPIN आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए डालना होता है और उसके बाद आपकी प्रोसेस आगे बढ़ती है। हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं नया TPIN क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे याद नहीं है तो पुराना वाला TPIN। हमने TPIN यहाँ पे जनरेट कर दिया है और उसे हम यहाँ पे अब डाल रहे हैं। जैसे ही TPIN आप एंटर करते हो आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई होने के बाद आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा, उस OTP का आपको यहाँ पे एंटर करना है वेरीफाई। जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई करते हो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी वो और आगे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका गिफ्ट स्टॉक जो है वो प्रोसेस हो गया है। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे आपको अप्रूव का स्टेटस दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि आपने जो गिफ्ट भेजा है उसका प्रोसेस अप्रूव हो गया है, अभी तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही ये अप्रूव हो जाता है आपको लगभग 24 घंटे के अंदर एक ईमेल आता है, उस ईमेल को आपको वेरीफाई करना होता है और उस ईमेल को भी आपको अप्रूव करना होता है। जैसे ही आप ईमेल को अप्रूव करते हो उसके बाद आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अगर आप ईमेल को कोई अप्रूवल नहीं देते हो तो प्रोसेस फेल हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पिछली बार जब हमने ट्राई किया था तो हम ईमेल को अप्रूव नहीं किए थे, इसकी वजह से ये प्रोसेस फेल हो गई है। तो ईमेल को अप्रूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे लास्ट प्रोसेस है वो। जैसे ही आप ईमेल को अप्रूव कर देते हो आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और आप जिसे गिफ्ट का स्टॉक भेजना चाहते हो वो उसको मिल जाते हैं, उसके पोर्टफोलियो में वो वैसे चले जाते हैं। तो 24 घंटे के अंदर आपको ईमेल आता है, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है लेकिन मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 24 घंटे लगते हैं ईमेल आने में। तो जैसे ही ईमेल आता है आप उससे अप्रूव करके आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी फैमिली मेंबर को या फिर फ्रेंड्स को स्टॉक गिफ्ट कर सकते हो उनके बर्थडे के ऊपर या फिर एनिवर्सरी के टाइम पे। आई होप आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।